मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के माफी न मांगने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ये बयान उनके लिए वाटरलू साबित होगा। देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि भाजपा को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, हमारे पास 114 विधायक पहले से हैं, एक और जीतेंगे तो 115 हो जाएंगे। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के करीब समझे जाने वाले निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने शिवराज सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली थी। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है, बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। नहीं, अब तो हाईकोर्ट ने ही निर्देश कर दिया है कि प्रत्याशी ही उस खर्चे को वहन करेगा, मास्क वगैरह के। माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षर से पालन करें। तो वहीं प्रदेश में गृह के अलावा जेल मंत्रालय भी संभाल रहे नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के परिजनों से मुलाकात की सुविधा 1 नवंबर से फिर से शुरू की जा रही है। एक बात और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा था कि जो अभी हमने COVID-19 के तहत मुलाकातें जेल में बंद कर दी थी, अब चूंकि जैसा आप सबने बताया है तो अब हम जो हमारे 45,000 बंदी हैं, त्योहारों का समय है, 1 तारीख से उनसे जो जेल में मिलाई होती थी, जो प्रधानमंत्री जी ने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों के साथ में सभी लोग अब अपने परिजनों से भेंट कर सकेंगे। लेकिन जो सुविधा अभी कोविड में चल रही थी टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो भी जारी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, ये दोनों तरह की सुविधाएं जारी रहेंगी। जो नहीं आ पा रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत और टेलीफोन के तहत पूर्ववत कर सकते हैं, और आके अगर कोई भेंट करना चाहे 1 तारीख से तो वो भेंट कर सकते। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के माफी न मांगने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि यकीन मानिए, कमलनाथ जी का अशोभनीय बयान उनके लिए वाटरलू साबित होगा। ये तो तय हो गया कि कमलनाथ जी ने गलत बोला था। वो जो स्पष्टीकरण दे रहे थे कि लोकसभा में आइटम कहते हैं, विधानसभा में आइटम कहते हैं, अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो आपत्तिजनक, महिला आयोग ने कह दिया आपत्तिजनक, राहुल गांधी ने कह दिया आपत्तिजनक, माणक अग्रवाल ने कह दिया कि माफी मांगनी चाहिए, अब और किससे कहलवाना है। ये बयान उनका वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के लिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी कमलनाथ के विवादित बयान को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, ऐसे में अपने इस मकसद में वो कितना सफल हो पाती है ये तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।